हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम सब बात करेंगे 5 ऐसे ऐप्स के बारे में जो इंडिया में बैन है। भारत सरकार ने इन ऐप्स को बैन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर पे 5 पे बात करते हैं लाइकी की। आप सभी ने कभी ना कभी लाइकी जरूर यूज़ किया होगा, मगर ये एक चाइनीज़ ऐप होने के कारण भारत सरकार ने 2019 में इसे बैन कर दिया और इसके उस टाइम 500 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइकी ऐप को यूज़ करते थे और इसे काफ़ी प्रमोट किया जाता था, मगर ये चाइनीज़ ऐप होने के कारण इसे बैन कर दिया गया। और लिस्ट में नंबर 4 पे बात करते हैं फ्री फायर की। फ्री फायर एक गेमिंग ऐप है और इसे काफ़ी बड़े बड़े इंडियन गेमर्स ने काफ़ी प्रमोट किया और इसे काफ़ी खेला है। जैसे आप जानते होंगे कि फ्री फायर इंडिया का एक टाइम का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम था और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसे इंडिया के हर एक बड़े यूट्यूबर और क्रिएटर ने ज़रूर खेला है और इसका वीडियो भी अपलोड किया है, मगर सिक्योरिटी रीजंस के कारण सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया। इसी के साथ अब लिस्ट में नंबर 3 पे बात करते हैं शेयर इट के बारे में। यह एक शेयरिंग ऐप है। इसके थ्रू लोग म्यूज़िक, वीडियो, ऑडियो सब एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया करते थे और ये काफ़ी स्मूथली ट्रांसफ़र होता था। आप सभी के फ़ोन में कभी ना कभी ये ऐप ज़रूर होगा। इसके 800 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स थे और इंडिया में इसे बैन करने का मुख्य रीज़न था ये कि ये एक चाइनीज़ ऐप था और इससे सिक्योरिटी ग्लिचेस काफ़ी आ रहे थे, जिसके चलते भारत सरकार ने इस ऐप को भी बैन कर दिया। इसी के साथ अब लिस्ट में नंबर 2 पे बात करते हैं टिकटॉक की। ये एक शॉर्ट क्रिएटिंग ऐप वीडियो था। इसमें लोग छोटे छोटे वीडियो अपलोड किया करते थे। टिकटॉक के 2 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा शॉर्ट क्रिएटिंग वीडियो ऐप था, मगर जैसे ही टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ, इस ऐप को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और धीरे धीरे इसका ग्राफ भी बहुत गिरने लगा और लोगों ने भड़ भड़ के इसे नेगेटिव रिव्यू दिए, जिससे ये ऐप इंडिया में बैन हो चुका है। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पे बात करते हैं पबजी का। पबजी इंडिया का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि हर तीसरे में से एक बच्चा पबजी खेलता था। फिर सरकार ने नोटिस किया कि इस गेम के थ्रू बच्चों को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और बच्चे वॉयलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, और सरकार को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसीलिए सरकार ने इस ऐप को बैन किया। और ये दूसरी रीज़न ये भी थी कि सरकार को इससे सिक्योरिटी ग्लिच भी लगा, इसीलिए सरकार ने इस ऐप को बैन करना ज़रूरी समझा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।